नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ बैलेंस कैसे पता करें पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें अगर आप एक पीएफ अकाउंट अकाउंट होल्डर हैं और आप जानना चाहते हो पता करना चाहते हो और आपको पता होना भी चाहिए कि कैसे आप अपना पूरा पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो आपकी सैलरी से बारह जमा होता है उसके बाद 12 परसेंट ही कंपनी देती है बट कंपनी जो 12 परसेंट देती है उसमें 8.33 पेंशन में जमा हो जाता है और बचा 3.67 वो पीएफ में चला जाता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने जा रहा हूं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना पूरा पीएफ का बैलेंस टोटल पी बैलेंस कंपनी ने कितना जमा कराया आपका कितना जमा हुआ पेंशन में कितना जमा हुआ और इसके साथ साथ आपको आपका जो पीएफ का जो पैसा रहता है उस पर जो ब्याज मिलता है जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिला पिछले साल कितना मिला उससे पिछले साल कितना मिला अभी करंट में आपको कितना मिला यानी कि पीएफ इंटरेस्ट ब्याज का पैसा कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और पीएफ की पासबुक कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पी बैलेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि बाद में लाइक करना भूल जाते हो और आगे इस तरह की हेल्पफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मैंने आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए मेंबर्स के लिए एक टेलीग्राम पर चैनल बना लिया है प्रोवाइड कर देता हूं तो टेलीग्राम चैनल को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है जैसे कि गूगल क्रोम हो गया मोजिला और आपको सर्च करना है ई पासबुक जब सर्च करेंगे तो ई पी एफ ओ का जो पासबुक का जो पोर्टल है वेबसाइट है वो यहाँ पर आ जाएगी इसको ओपन कर लेना है जैसे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और यहाँ पर आप अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो और अगर आपने एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए या फिर पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए या फिर पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए क्लेम किया है फॉर्म अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस भी आप पता कर सकते हो बाकी इस वेबसाइट का जो लिंक है पासबुक पोर्टल की ये जो वेबसाइट है इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने पासबुक का ये जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी अब यहाँ पर आपको अपना ट्वेल्व डिजिट का बारह डिजिट का जो नंबर रहता वो है वो मेंशन करना है यहाँ पर पासवर्ड करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर करके साइन इन कर लेना है जैसे आप लोग इन करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का जो पेज आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब यहाँ पर देखिये टोटल अवेलेबल बैलेंस आपके पी एफ अकाउंट में जितना आपका बैलेंस अवेलेबल रहता है टोटल टोटल यहां पर दिखा देगा अब यहां पर दिखा रहे तेईस हजार दो सौ छब्बीस रुपए तो इनके पीएफ अकाउंट में पूरा टोटल बैलेंस ये है तो यहां पर जो है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर की जो अमाउंट है जो अवेलेबल रहता है जो आपके अकाउंट में जो अवेलेबल है वो यहां पर दिखाता है देख सकते हो इंप्लॉई शेयर अवेलेबल और एम्प्लॉयर शेयर अवेलेबल और इन दोनों को जोड़ के यहां पर दिखा देगा कि टोटल आपके पी अकाउंट में कितना बैलेंस है और यहां पर आप जो है ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पर जो है कलर के हिसाब से समझ, समझ में आ जाएगा कि इतना शेयर जो है इंप्लॉई शेयर है और इतना एम्प्लॉयर शेयर है तो यहां से आपको जो है पता चल जाएगा बट यहां से आपको पेंशन का पैसा नहीं पता चलता कि आपके पी अकाउंट में पेंशन का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना जमा हुआ है और ब्याज इंटरेस्ट कितना मिला है तो उसके लिए कैसे आप पता कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा बट उससे पहले यहां पर देखिए अगर आपने एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है तो जब जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नई पीएफ मेंबर आईडी आपकी क्रिएट हो जाती है और ई e. पी कहता है कि जब भी आप कोई नई कंपनी में ज्वाइन करें तो पुरानी पी एफ में आई का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा तो यहां पर देखिए मेंबर वाइज बैलेंस अगर आपको पता करना है पुरानी पी एफ एम्बर आई का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं किया है और मेंबर वाइज पीएफ अकाउंट वाइज अगर आपको पता करना है तो यहां पर आपको क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी सर्विस रहेगी जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहेगी वो यहां पर दिखा देगा अब इनकी टोटल यहां पर तीन है वन टू थ्री थ्री है बट दो में जो है जीरो दिखा रहा है क्यों दिखा रहा है क्योंकि इन दोनों का पैसा हमने जो है करंट में ट्रांसफर कर लिया है तो अगर आप ट्रांसफर नहीं करेंगे पुरानी पी एफ एम आई का करंट में तो उनका यहां पर बैलेंस अवेलेबल दिखाएगा और यहां पर जो है जो करंट रहती है उसका दिखा देगा और यहां पर जो है इन तीनों का जोड़ दिखाता है ठीक है तो इस तरह से आप मेंबर वाइज बैलेंस भी पता कर सकते हो अगर एक से ज्यादा पीएफ एफ मेंबर आई है पुरानी का आपने ट्रांसफर नहीं किया तो पुरानी पीएफ एफर मेंबर आईडी में कितना आपका बैलेंस है और करंट में कितना है और ट्रांसफर कर लेंगे पुरानी का तो यहां पर जीरो जीरो आ जाएगा और जो करंट में रहेगा वो यहां पर इतना दिखा देगा तो इस तरह से आप पता कर सकते हो आप चलिए इसको यहां पर बंद कर देते हैं अब आपको पीएफ की पासबुक डाउनलोड करनी है पी

अगर दूसरी सेलेक्ट करेंगे तो उसका भी यहां पर यहां पर आ जाएगा तो अब यहां पर देखो आप टोटल बैलेंस स्टार्टिंग में हमने देखा था तेईस हजार दो सौ छब्बीस बता रहा था टोटलॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सॉरी एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी ने कितना जमा हुआ कर्मचारी का कितना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ वो यहां पर दिखा देगा एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला वो यहां पर दिखा देगा और अगर ट्रांसफर किया है कोई तो यहाँ पर दिखा देगा इतना ट्रांसफर हुआ है आपकी पी एफ में आई डी में विड्रो किया होगा तो आपको यहां पर दिखा देगा कितना विड्रो हुआ है तो ट्रांसफर कर लिया है तो उसका टोटल बैलेंस जीरो दिखा रहा है क्योंकि हमने पुरानी का करंट में ट्रांसफर कर लिया है और उस पी एफ एम्बर आईडी में कर्मचारी का इतना जमा हुआ था कंपनी ने इतना जमा कराया और इंटरेस्ट ब्याज इतना मिला है और टोटल पीएफ एफ इतना हुआ है उस पी एफ नंबर आई डी से टोटल पी एफ इतना निकल गया यानी कि हमने ट्रांसफर कर लिया अगर आपने एडवांस में निकाला होगा तो वो यहां पर दिखा देगा अगर ट्रांसफर किया होगा तो वो यहां पर दिखा देगा कि टोटल कितना पी एफ का पैसा विद्रॉ हुआ है अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये दूसरी भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें भी आप देख सकते हो टोटल बैलेंस जीरो है यहां पर क्योंकि हमने ट्रांसफर कर लिया है इसमें जो है इस पी एफ एम्बर आई में कंपनी ने जो है इतना जमा कराया और खुद का इतना जमा हुआ ब्याज इतना मिला और इतना जो है विद्रो हो गया तो इस तरह से पता कर सकते हो और यहां पर ग्राफ के माध्यम से भी पता चल जाएगा जैसे कि यहां पर मैं जो है पी एफ एम्बर आई सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट तो ये जो इस तरह का कलर दिखता है इसमें जो आपको कितना इंटरेस्ट मिला जैसे कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सत्रह सौ बयालीस रुपए दो हजार बीस में और दो हजार इक्कीस में यहां पर इतना मिला दो हजार बाईस में यहां पर इतना मिला और नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको पेंशन का देखने को मिल जाएगा टोटल पेंशन शेयर देखिए पेंशन शेयर यहाँ पर आपको कि आपकी ये जो पी एफ एम्बर आईडी है इसमें पेंशन का बैलेंस कितना है अब यहाँ पर देखिए पी एफ का बैलेंस तो जीरो जीरो दिखा रहा है पीएफ 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 का 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 बैलेंस इसीलिए दिखा रहा है जब हम का पैसा पुरानी का पैसा मेंबर आईडी करंट में ट्रांसफर करते हैं तो ओनली शेयर और शेयर ये ट्रांसफर होता है पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता तो देखिए इम्प्लॉय शेयर और इम्प्लॉयर शेयर तो यहां पर जीरो जीरो दिखा रहा है क्योंकि ट्रांसफर हो गया है बट पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं होता तो पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही शो होगा बाकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है जब आप

दिखा देगा पेंशन के पैसों पर कभी भी ब्याज नहीं मिलता क्लियर अब चलिए यहां पर जो है मैं करंट पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेता हूं ये ये है इनकी करंट पीएफ मेंबर आईडी आई सेवन जीरो थ्री ये मैंने सेलेक्ट करी तो इनका करंट में इतना बैलेंस है क्योंकि पुराना हमने ट्रांसफर कर लिया था अब करंट में यहां पर देखिए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर दो हजार तीन दिखा रहा है यहां पर पासबुक यहां पर पीएफ मेंबर आईडी आई आपकी दिखा देगा यहां से आप पासबुक डाउनलोड कर सकते हो बाकी यहां पर देखिए वेज मंथ कौन से महीने का कब जमा हुआ है जो कंपनी रहती है जो नियोक्ता रहता है उसको जैसे कि आपका जनवरी का पीएफ कटा तो फरवरी के पंद्रह तारीख तक जमा कराना पड़ता है मार्च का कटा तो अप्रैल की पंद्रह तारीख तक तो जमा कराना पड़ता है तो यहाँ पर देखिए मार्च का पंद्रह अप्रैल को जमा हुआ जुलाई का चौदह अगस्त को तो यहाँ पर आप देखोगे पंद्रह पंद्रह तारीख तक या फिर पंद्रह से पहले आपका जो है पी का पैसा जमा होता तो हुआ आपको देखने को मिल जाएगा और कौन से मंथ का यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा क्रेडिट हुआ या फिर डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा अगर ब्याज मिला है तो नहीं दिखा देगा नहीं मिला तो यहां पर दिखा देगा एन ए और यहां पर देखिए ई पी एफ वेजेज आपका जो बारह परसेंट होता है ये जो बारह परसेंट गया है एक हजार छप्पन ये इस पर गया है आठ हजार सात सौ छियानवे पर अब मैं आपको कैलकुलेट करके भी एक बार दिखा देता हूं देखिए यहां पर आठ हजार सात सौ सो अट्ठानवे सॉरी अट्ठानवे गुना किया बारह और भाग दे दिया इसको सौ से तो देखो एक एक हज़ार पचपन तो यहाँ पर छिंत्र पैसे हैं तो यहाँ पर एक एक हज़ार छप्पन यहाँ पर जमा हुआ है तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और जो कंपनी बारह परसेंट देती है यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो कंपनी बारह परसेंट जमा करती है देखिए एम्प्लॉज शेयर तो जो बारह परसेंट देती है उसमें से एट पॉइंट थ्री थ्री पेंशन में चला जाता है अब जैसे कि इस पर आपका ये जो आठ हज़ार सात सौ है आठ हजार सात सौ अट्ठानवे इसका 8.33 भाग दिया सो से यहाँ पर हो गया सात सौ और ये सतासी पैसे है तो सात सौ चौंतीस रुपये हो गए तो यहाँ पर आप देखोगे सात सौ तैंतीस रुपये सॉरी सात सौ तैंतीस रुपये यहाँ पर कंपनी ने जमा किया और बचा इसका थ्री पॉइंट सिक्स सेवन आठ हज़ार सात सौ अट्ठानवे का थ्री पॉइंट सिक्स सेवन भाग दिया सौ से तीन सौ बाईस तो एक ये हो गया तीन सौ तेईस रुपए तीन सौ तेईस रुपए तो इस तरह से आप यह, यहां से पता भी कर सकते हो कि आपका जो ईपीएफ और ईपीएस कितना है और उस पर जो है सही कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा तो पर आप देख सकते हो और इंप्लॉय शेयर टोटल यहां पर देखे इसका टोटल यहां पर दिखा देगा और इसका टोटल यहां पर दिखा देगा और अगर आपने पुरानी पी एफ एम्बर का कोई ट्रांसफर किया होगा तो यहां पर दिखा देगा इतना ट्रांसफर हुआ है एम्प्लॉय शेयर और इंप्लॉय शेयर इतना एम्प्लॉयर शेयर इतना और पेंशन का पैसा मैंने आपको बताया कभी भी ट्रांसफर नहीं होता तो पेंशन का पैसा आपको पुरानी पी एफ एम्बर आई डी में ही देखने को मिलेगा और ये पासबुक को डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इंटरेस्ट मिला होगा तो यहाँ पर दिखा देगा अगर नहीं मिला होगा तो यहाँ पर जीरो जीरो दिखा देगा जब अभी दे अभी देखिए इनका मिला नहीं है तो यहां पर एन ए दिखा रहा है तो इस तरह से और बाकी यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से भी समझ में आ जाएगा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इंटरेस्ट अन यानी कि इंटरेस्ट अभी तक इनको इनको मिला नहीं है तो यहां पर दिखा देगा तो इस तरह से आप जो है पता कर सकते हो और यहां से जो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो यहां पर मैं आपको बता दूं कि पुराने पी एफ एमबर का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिए अदरवाइज अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे और आपने करंट कंपनी छोड़ दी और उसके दो महीने के बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर नाइनटीन और टेन सी अप्लाई करेंगे तो पुरानी पी एफ एमर का पैसा आपका फंस जाएगा ओनली करंट का ही विड्रॉ होगा तो जब भी आप नई कंपनी ज्वाइन करें तो पुरानी पी एफ एमबर का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा अब इन्होंने ट्रांसफर कर लिया जब इनका यहाँ पर देखो पुरानी पी एफ एम आई डी का यहाँ पर टोटल बैलेंस जीरो जीरो यहाँ पर दिखा रहा है अगर आपने एडवांस में या फिर कोई पूरा पी एफ का पैसा या फिर पी एफ का पैसा ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सबमिट करी थी तो वो यहाँ पर क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके देख सकते हो क्लेम्स का ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेटल्ड क्लेम में तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर्म थर्टी वन फॉरम थर्टी वन फॉरम थर्टी वन सॉरी फॉर्म थर्टीन ट्रांसफर आउट पुरानी पी एफ मेमर आई डी का पैसा ट्रांसफर किया इतना पैसा ट्रांसफर हुआ थर्टी वन थर्टी वन एडवांस में इतना निकाला एडवांस में इतना निकाला यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा फॉर्म आपने अप्लाई किया था किस चीज के लिए अप्लाई किया था कितना अमाउंट आपका जो है ट्रांसफर हुआ या फिर विड्रो के लिए अप्लाई किया था तो कितना अमाउंट आपकी विड्रॉ हुआ तो यहाँ से आप जो क्लेम स्टेटस देख सकते हो रिजेक्ट हुआ होगा कोई क्लेम तो यहाँ पर दिखा देगा कि आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है और पेंडिंग होगा तो वो यहाँ पर पेंडिंग में दिखा देगा और यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से भी पता चल जाएगा पिछले पाँच साल में कितने क्लेम सेटल हुए हैं कितने जो है रिजेक्ट हुए हैं इस ग्राफ के माध्यम से और यहाँ पर भी दिखा देगा टोटल क्लेम आपने सात करे अप्रूव सेटल हुए पांच और रिजेक्ट हुए दो पेंडिंग कुछ भी नहीं है जो अप्रूव हुए हैं वो पैंतीस हजार पांच सौ पांच अमाउंट का अप्रूव हुआ है इस तरह से और ये जो पासबुक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जब नहीं पी का पासबुक पता कर सकते हो और होम पर जैसे आएंगे तो आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी टोटल बैलेंस अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पर दिखा देगा और पेंशन का पैसा देखना है तो मैंने आपको बता दिया कि जिस भी पी एफ एम का आपको पेंशन का पैसा देखना है तो वो पी एफ एम आपको सेलेक्ट करनी रहेगी वहां पर पेंशन का पैसा दिखाएगा यहाँ पर ओनली कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर टोटल बैलेंस यहाँ पर आपको दिखाता है और जब आप मिस कॉल देते हैं एस जो आपको आता है वो भी आपको ओनली ये दोनों अमाउंट का ही दिखाता है पेंशन का पैसा एस में भी नहीं आता पेंशन का पैसे देखने के लिए पासबुक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी पी एफ एम सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी पी एफ मेंबर आईडी में कितना पेंशन का पैसा है और पेंशन का पैसा कभी भी ट्रांसफर नहीं होता फिर मैं आपको कह रहा हूं तो दोस्तों इस तरह से आप जो अपना पूरा टोटल पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो मैंने आपको लेटेस्ट जो है प्रोसेस बोल सकते हैं लेटेस्ट 2024 का तरीका मैंने आपको दिखा दिया बता दिया आई होप जानकारी पसंद आई होगी इसके बावजूद भी मन में कोई डाउट रह गया है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए पूरी पूरी पूर कोशिश रहेगी जो भी आपका कॉमेंट रहे उसका आंसर देने की और आगे इस तरह की हेल्पफुल नॉबेज बना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलता है जल्द एक और नई जानकारी के साथ और हाँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा